आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। सनातन धर्म महाविद्यालय के स्वैवित पोषित विभाग के द्वारा आज ओरिएंटेशन कम कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे यहाँ के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे, जो न्यू ईयर के फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज में कैसे पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है। इसी आयोजन के साथ साथ आज हमने जो हमारे लास्ट ईयर के बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टॉपर्स से उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम रखा है, जिससे नए आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमें प्राइज भी मिलता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो पूरे साल में कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मेहंदी कंपटीशन है, दिया मेकिंग कंपटीशन है, कार्ड मेकिंग कंपटीशन है, उन सबके प्राइज़ का भी वितरण किया जाएगा। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल शर्मा जी कांदला के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट श्री सोमांस प्रकाश जी हैं और कॉलेज प्राचार्य हैं डॉक्टर एस सी वाशिंग जी। बच्चे इसमें कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एमएससी टेक्सटाइल और क्लोथिंग भी है, उसमें उन्होंने बच्चों ने जो कपड़े बनाए हैं उसके द्वारा वो फैशन शो भी कर रहे हैं। उसमें वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे बच्चों को कैसे अलग अलग डिज़ाइनिंग के कपड़े सिखाते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि बच्चे हमारे यहाँ के टेक्सटाइल क्लोथिंग में पार्ट करते हैं तो वो आगे भविष्य में अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। आज सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में स्वामित्व पोषित विभाग द्वारा एक ओरिएंटेशन कम कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेंद्र कुमार जी, सचिव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर, मुख्य अतिथि के रूप में हैं, तथा इस प्रोग्राम का उद्घाटन हम श्री सोमंस प्रकाश जी अध्यक्ष प्रबंध समिति द्वारा, मैं प्राचार्य एसडी कॉलेज द्वारा, डॉक्टर अतुल शर्मा जी प्राचार्य राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा और विभागीय साथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत किया गया। और आज इस प्रोग्राम में मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, शोध में किस तरीके से गुणवत्ता में हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, हाजिरी नियमित किस तरीके से रहें, बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरीके से करें, ये सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनको लोगों ने काफ़ी सराहना की। सचिव महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित रह करके उत्कृष्टता हासिल करने का संदेश दिया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा बच्चों को शुभ आशीर्वाद दिया गया और दीपावली के पावन पर्व पर सभी को बधाइयाँ दी गई। हम आप सभी जनपदवासियों को Man.